नमस्ते, वेलकम टू टिकी डिज़ाइनर। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सी लटकन बनाकर दिखाऊंगी। इस ब्लाउज़ में आप इसे आसानी से बना सकते हैं, तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये सिल्क वाला फैब्रिक था, तो ये मैंने दो फैब्रिक लिए, दो पीसेस लिए हुए हैं, जिसकी लेंथ और विड्थ 4x4 है। मतलब इसकी लंबाई भी 4 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 इंच है। तो इस तरीके से आपको दो पीसेस कट कर लेने हैं। पीसेस कट करने के बाद आपको एक पीस लेना है, पहले उसको आपको ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बिछा लेना है। देखिए, बिछा लिया मैंने। फिर उसके बाद हाफ जो है इस तरीके से टर्न करेंगे और हाफ इधर साइड से टर्न करेंगे। तो दोनों पीसेस को हमने इस तरीके से रखना है। और जो लटकन रहेगी, तो जो डोरी रहेगी, तो मैंने ये रेडीमेड डोरी यूज़ करी हुई है। तो देखिए, डोरी को हमने इस तरीके से रखना है, ये अंदर साइड को डोरी रखी जाएगी। और रखने के बाद आप यहाँ से 1/2 इंच नीचे साइड से निशान लगा लीजिए और इसके ऊपर आपको नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। मैं एक और बार आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को लेने के बाद आपको इसको ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बिछाना है। ये देखिए, मैंने बिछा लिया। फिर इसके बाद हाफ ट्रायंगल इधर से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ा और हाफ ट्रायंगल हम यहाँ से भी मोड़ लेंगे। तो दोनों साइड से हाफ हाफ हमने मोड़ लेना है, ये देखिए। और इसके बीच में हमें डोरी रखनी है, तो डोरी जो है वो अंदर साइड से रखी जाएगी। ये देखिए, डोरी को मैंने लिया, इसके बीच में इस तरीके से रखा, ये अंदर साइड को है। अब हमने इसको कवर कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये कवर कर लिया। कवर करने के बाद जो जहाँ से ये कोना निकला हुआ है, वहाँ से आप 1/2 इंच ऊपर रख के इस तरीके से निशान लगा लीजिए और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। बहुत ईजी तरीके से ये बन जाएगी जो लटकन है। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई। एक से दो बार यह फिक्स कर लीजिए, ताकि जो उसके अंदर जो डोरी है वो भी फिक्स हो जाए और वो निकले नहीं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। सेम ऐसे ही जो दूसरे वाला पीस है, उसको भी हम इसी तरीके से बीच में से पहले ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, फिर हाफ हाफ दोनों साइड से मोड़ लेना है और डोरी को इसके ऊपर, मतलब इसके मिड में रखना है। और यहाँ पर आपको रखने के बाद कवर कर लेना है। देखिए, यहाँ से हाफ मोड़ा मैंने और दूसरे साइड से भी हाफ मोड़ लेना है फैब्रिक को। और इसके बाद डोरी को जो है अंदर साइड से रखना है इसके अंदर। आप चाहे तो रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं या फिर घर पे भी डोरी बना करके रेडी कर सकते हैं। तो डोरी को बीच में रखना है और इसको रखने के बाद कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे दूसरी वाली डोरी को भी मैंने इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। दोनों मेरी लटकन बन करके रेडी हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीके से दोनों को स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमें कट करके अलग कर देना है। ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया। अब हमें इसे सीधा करना है। तो यहाँ से जो डोरी है, डोरी के साइड से फैब्रिक को है बाहर साइड को हम निकालेंगे। देखिए, इस तरीके से खींचा हमने डोरी बाहर को और ये जो लटकन है वो कुछ इस तरीके से बन कर आएगी। तो आप देख सकते हैं, किसी भी फैब्रिक में आप ये लटकन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिल्क का फैब्रिक हो, आप किसी भी फैब्रिक पे इस लटकन को बना करके रेडी कर सकते हैं। तो आप इस लटकन का यूज़ ब्लाउज़ पे, लहंगे पे, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। छोटे बच्चों के फैब्रिक में भी आप इस लटकन को बना सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।